नमस्कार, किरण्स किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही टेस्टी हल्की फुल्की रेसिपी लेकर आई हूँ। फ्रेंड्स, हमने आज राजस्थानी स्टाइल से मक्के की राब बनाई है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार हुई है। और अगर आप इसे एक बार बनाएंगे, टेस्ट करेंगे, तो आपको भी ये बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। जो फ्रेंड्स हमारे वेट लॉस करते हैं, उनके लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा यूनिक बनने वाली है। तो आइए, बगैर देर किए जल्दी से इस मज़ेदार रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। मक्के की राब बनाने के लिए 2 टेबलस्पून मैंने मक्का का आटा लिया है, और ये जो एक छोटी कटोरी है ये दही है। अब सबसे पहले फ्रेंड्स, हम मिक्सी का एक बड़ा वाला जार ले लेंगे, जिसमें कि हम जूस बनाते हैं, उसी को मैंने ले लिया है। इसमें जो दही है उसे हम डाल देंगे। जिस कटोरी से हमने एक कटोरी दही लिया है, इसी से नापकर मैंने 3 कटोरी पानी ले लिया है, वो भी इसी में डाल देंगे। और मक्का का जो आटा है वो भी हम इसी में डाल देंगे। इसी के साथ में 1/3 चम्मच में नमक डाल रही हूँ। अब फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ें हमने मिक्सी के जार में इसलिए डाली ताकि इसे हम 1 मिनट के लिए हम मिक्सी चला लेंगे, तो ये सारा हमारा बहुत स्मूथ पेस्ट बन के तैयार हो जाएगा। तो इसे हम एक बार अच्छे से ग्राइंड कर लेते हैं। हमने इस तरह से मक्का आटा के साथ में दही को अच्छे से मिक्स कर लिया, तो इसका एक बहुत अच्छा सा एक घोल बन के तैयार हो गया। अब फ्रेंड्स, जिस भी बर्तन में हमें इसे कुक करना है वो ले लेंगे, और उसमें हमें पूरा हमारा जो बैटर तैयार करा है हमने इसे डाल देंगे। देखिए, एक भी गुठली नहीं बनी, और कितने अच्छे से हमारा आटा और दही मिक्स हो गए हैं। अब इसे गैस पर कुक करने के लिए रख लेते हैं। अब हम इसे लगातार चलाते हुए 15 से 20 मिनट तक अच्छे से उबलने देंगे। अभी फ्रेंड्स, जब तक इसमें एक उबाल नहीं आता है तब तक हम इसे हाई फ्लेम पर रख लेते हैं, फिर गैस की फ्लेम को हम लो करेंगे। देखिएगा फ्रेंड्स, इसमें कितना अच्छा एक उबाल आ गया है। अब गैस की फ्लेम को हम धीमा कर देंगे और इसे 10 से 15 मिनट अच्छे से उबलने देंगे। ये जितना अच्छे से खदकेगा वैसे ही बढ़िया बन जाएगा। और अभी जैसे ये दिखने में हमारी राब पतली दिख रही है, अभी थोड़ी सी देर में ये गाढ़ी भी हो जाएगी। तो इसे 10-12 मिनट हम अच्छे से धीमी आंच पर उबलने देते हैं, उसके बाद में मैं आपको आगे बताती हूँ। 10-12 मिनट हो गए हैं और आप देख सकते हैं कि हमारी राब कितनी बढ़िया बन के तैयार हो गई। जो एकदम इसमें पतला वाला जो इसकी कंसिस्टेंसी थी, वो आप देख सकते हैं कि कितनी गाढ़ी हो गई है। आपको चम्मच से भी दिखाती हूँ, देखिएगा एकदम इसका गाढ़ा टेक्सचर हो गया है। गैस की फ्लेम को हम ऑफ कर देते हैं और इसे थोड़ा ठंडा होने देते हैं। ठंडा होने के बाद में ये और भी गाढ़ी हो जाएगी। और फ्रेंड्स, हम मसाला राब बनाने वाले हैं, तो थोड़ा सा इस पे तड़का भी लगाएंगे। राब भी ठंडी हो गई है, उसे मैंने बाउल में निकाल लिया। अब फ्रेंड्स, उसमें हल्का सा हम तड़का लगाने वाले हैं, तो मैंने 1/2 छोटा चम्मच घी डाला है। घी ही डालिएगा, इससे इसका टेस्ट बहुत बढ़िया आएगा। अब इसमें मैं 1/3 चम्मच जीरा डाल देती हूँ। अच्छे से इसे चटकने देते हैं। जीरा अच्छे से चटक गया है। अब इसमें मैं 1 पिंच हींग डाल रही हूँ। हींग जरूर डालिएगा, पाचन में बहुत हेल्पफुल रहती है। और बस इस तड़के को अब हम अपनी राब में डाल लेते हैं। इस तरह से फ्रेंड्स, ये हमने नमकीन बनाया है, इसलिए इसमें हल्का सा हमने बखार डाला है। इसी के साथ में थोड़ा सा धनिया पत्ती भी डाल देते हैं, तो दिखने में भी बहुत टेस्टी दिख रहा है और खाने में तो बहुत ही बढ़िया। अच्छे से मिक्स कर देंगे। देखिए, मैं आपको पास से भी बताती हूँ कि हमारी मक्के की राब कितनी बढ़िया बन के तैयार हुई है और गाढ़ी भी हो गई है। इसी के साथ में 1 पिंच के करीब मैं इसमें लाल मिर्च भी स्प्रिंकल कर देती हूँ। बन गया ना हमारा बहुत ही टेस्टी मील। अगर हमें शाम को कुछ हल्का फुल्का खाने की इच्छा हो तो इस रेसिपी को जरूर ट्राई किया जा सकता है। कभी कभी हमें रोटी पराठा खाना खाने का मन नहीं करता है, या फिर खिचड़ी दलिया का भी मन नहीं करता है, तो ऐसी स्थिति में हम सिर्फ 2 टेबल स्पून मक्के की आटे से ये टेस्टी राजस्थानी राब बना सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो जरूर पसंद आया होगा।